आज का ये सेशन जैसे मैं अभी संचालन करूँगी लेकिन ये एक तरह से बातचीत की तरह से ही किया जाएगा आप लोगों से भी अगर आपके पास कोई सवाल होंगे तो हम आखिर में कुछ सवाल हमारे पैनलिस्ट से कर सकते हैं शीर्षक है पोइटिक सेंसिबिलिटीज़ इन कनाडा, साउथ एशियन पोइटिक सेंसिबिलिटीज़ इन कनाडा। यानी कि हमारा हम सभी संवेदनशील होते हैं हमें हमारी सेंसिबिटीज़ होती हैं हम आ, ये संवेदनशीलता हमें इंसान बनाती है मगर जो पोएट होता है जो कवि होता है या जो शायर होता है उसमें ये बात होती है कि वो उन संवेदनशीलताओं को कागज़ पर उतार सकता है जिससे कि पाठक या सुनने वाला जब उसे सुनता है या पढ़ता है तो उसे अपने मन के साथ जोड़ सकता है और जब ये लेखन ये रचना या ये पोम कह लें या ये कविता जो लिखी जाती है या लिखी गई है लेखक के द्वारा जो रचनाएँ की गई हैं उनके साथ जब वो पाठक खुद को जोड़ पाता है तो वो कविता सफल होती है और ये अपने आप होता है क्योंकि इंसान या जो कवि है शायर है वो बहुत सारी चीज़ों के बिना पर लिखता है जिस जिस पर बेस करके वो लिखता है वो होते हैं उनके ख़ुद के अनुभव जो के परिवेश या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जिसे हम कहें कि परिवेश से प्रभावित होते हैं और हम रहते हैं अभी इस वक्त कनाडा में तो क्या हमारी ये संवेदनशीलताएं क्या ये जो लेखक लिख रहे हैं यहाँ एक प्रवासी भूमि पर रहते हुए क्या ये परिवेश उन पर उनके लेखन पर प्रभाव डालता है क्या ये प्रभाव अच्छा है क्या हमें अपने स्मृतियों से नहीं लिखना चाहिए यह तो हो नहीं सकता लेकिन फिर जब हम यहाँ पर बैठकर लिखते हैं तो क्या हमें कोई लेबल कर दिया जाता है कि हम बाहर हैं तो हम प्रवासी भारतीय या प्रवासी मैं नहीं जानती और भी देशों में इस तरह से कहा जाता हो या एक तरह से क्या ये लेबल है या ये एक अच्छी बात है हम इन सारी चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे लेकिन मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट्स के साथ आ, मैं हूँ मानोशी चैटर्जी और आ, मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं इरफान सत्तार भाई इन सभी के साथ मेरा यहाँ पर बैठना भी एक बहुत ही सम्मान की बात है हमारे सब बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट हैं यहाँ पर मैं इरफान जी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि इरफान जी मूल रूप से कराची के रहने वाले हैं लेकिन 2010 से वो कनाडा में रह रहे हैं इस समय के उर्दू और गज़ल के जाने माने नामों में से एक हैं और उनका पहला जो कविता संग्रह कह लें गज़ल की किताब कह लें वो तकरार साथ 2005 में कराची से प्रकाशित हुआ था फिर दिल्ली भारत से 2016 में उनका दूसरा संग्रह जिसका शीर्षक साते इमकान है और अभी जो इनकी पुस्तक पुस्तक आई है जो मेरे पास भी है और बहुत उम्दा ग़ज़लें हैं उसमें जो हिंदी में मुझे उन्होंने पहली गिफ्ट की थी तो वो ये इश्क है इसमें ये उनकी जो पहले दो संकलन है उनमें से ली हुई गज़लें हैं कुछ नामी गज़लें और इनकी लेखनी को हम समकालीन कह सकते हैं जिसका मतलब है कंटेम्प्रेरी पोइट माने जाते हैं ये और अभी अभी इनको नालंदा अवार्ड दिया गया तीन दिन पहले ही इनकी इसी वजह से कि वो आ, बहुत ही बेस्ट कंटेम्प्रेरी राइटर के हिसाब से तो इनके लिए एक ताली हो जानी चाहिए <laughs> हमारे साथ हैं मीना चोपड़ा जी मीना चोपड़ा जी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कलाकार हैं पेंटिंग करती हैं कवि हैं लेखिका हैं डिजाइनर हैं एक कला शिक्षिका हैं और साहित्यिक कार्यक्रमों के निर्माता भी हैं वे अंग्रेजी और अपनी मूल हिंदी भाषा दोनों में ही कविताएं लिखती हैं इनकी कई काव्य पुस्तकें हैं और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिकाओं और सं, संकलनों में व्यापक रूप से ये प्रकाशित भी हुई हैं मीना जी ने कोई सौ से भी अधिक देशों में अपनी पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कला और कविता पर एकेडमिक पेपर्स प्रस्तुत किए हैं इनकी पुस्तकें पहला संकलन है सुबह का सूरज मेरा नहीं है रंग और नूर का संपादन किया है इन्होंने जहाँ पर जिनके बारे में ये और बताएंगी रंग और नूर एक ऐसी किताब है जहाँ पर कि कनाडा के कई कवियों लेखकों को लेकर ये संकलन बना और उनका इन्होंने संपादन किया अमीना जी कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता भी रही हैं जिनमें विजुअल आर्ट्स मिसिस आगा का प्रथम पुरस्कार इनको मिला है आर्ट में और सिविक रिकग्निशन अवार्ड ये कुछ उल्लेखनीय हैं इनकी कुछ अंग्रेजी की किताबें भी हैं इग्नाइटेड लाइन्स श्री द रेस्टलेस स्ट्रीक जिसका प्रकृति का रूप है जिसमें उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के साथ ही बहुत खूबसूरत शब्दों में पोएट्री की है और मेनली वो नेचर पर ही उन्होंने किया है आ, अभी हम जब बातचीत करेंगे तो आप जानेंगे कि इस बातचीत में हमारे जो यहाँ पैनलिस्ट हैं वो खुद अपने अनुभवों को बताएंगे और उसी में उनका परिचय भी आपको मिलेगा कि किस तरह से जो मैं थोड़ा अगर कुछ छूट गया हो तो उसमें वो आ जाएगा हमारे साथ और हैं विश्व हिंदी सम्मान जो कि एक बहुत ही प्रस्टिजियस अवार्ड है बहुत ही सम्माननीय विश्व स्तर पर इस अवार्ड को दिया जाता है अभी अभी फ़िज़ी से लेकर आ रही हैं डॉक्टर शालजा सक्सेना और इनकी कहानियाँ और कविताएँ छप चुकी हैं किताबें हैं और भारत के यूनिवर्सिटीज़ में इनकी कविताओं को पढ़ाया जाता है अंडर और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में इनकी कविताओं और इनकी लेखों ने स्थान पाया है इनकी कहानी संग इनकी एक कहानी संग्रह है जिसका जिसका प्रकाशन हुआ 2022 में लेबनान की एक रात और क्या तुमको भी ऐसा लगा ये इनकी पोएट्री कलेक्शन है और इनका काव्य संग्रह भी बहुत सराहा जा रहा है और इनकी जैसे मैंने कहा कि कविताओं को पाठ्य पुस्तक में भी स्थान मिला हुआ है मैं अपनी लिटररी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताऊं साहित्यिक सफ़र के बारे में बहुत छोटा सा कि लिखना तो शुरू हुआ बिल्कुल बचपन से अब क्योंकि हम मुड़ रहे हैं उस बातचीत की तरफ तो मैं थोड़ा सा उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ कि लिखना तो हुआ मेरा बिल्कुल जब मैं छोटी थी जिस तरह से मेरे ख़्याल से हम सभी का यही रहा होगा जब मैं बचपन में स्कूल में लिखती थी तो मुझे याद है कि मैं लिखा करती थी वहाँ के समाज में क्या हो रहा है आप जानते होंगे कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं उस टीन एज दौर से गुज़र रहे होते हैं तो हमारे में बहुत ज़्यादा जोश होता है हम उतना आ, इतनी व्यवहारिक नहीं होते इतने पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते और हमारे दिल में जो होता है हम वैसे लिखते हैं और वैसे ही लिखा लिखने की शुरुआत होती है और बहुत अच्छी बात है लेकिन अब मैं जब पढ़ मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैंने लिखी, मेरे उस समय के समाज में क्या हो रहा था उस पर मैंने काफ़ी कुछ लिखा तो वहाँ के परिवेश से बहुत कुछ मेरी कविताएँ प्रभावित हुई और उस समय मेरे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे स्कूल में जिन्होंने मुझे ये समझाया और मैं सच कहूँ तो मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी कविताओं में बड़ा नेगेटिव भी हुआ करता था मेरे सर ने मुझे ये समझाया था कि कविताओं में एक संदेश होना ज़रूरी है तुम जो लिख रही हो वो याद रखना कि समाज के लिए जा रहा है व्यक्तिगत है सही है हमारी संवेदनाएं तो होंगी ही उसमें लेकिन ये भी ख्याल रखना कि उसमें समाज किस तरह से प्रभावित होता है कुछ पॉजिटिव हो ये एक बहुत बड़ा संदेश था मेरे लिए बाद में सऊदी अरब में गई सऊदी अरब में मैं चार साल रही और शादी हो गई थी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं तो लिखना एक तरह से लगा मुझे कि सोचा नहीं लिखने के बारे में मगर वहाँ पर रहते हुए भी दरअसल लिखा स्कूल में पढ़ाती थी मैं तो स्कूल में बच्चों के लिए वहाँ इंडियन स्कूल था तो वहाँ देशभक्ति की कविताएँ लिखीं क्योंकि जिस तरह से और बड़े सराहे गए क्योंकि सब लोग वहाँ अपने देश को मिस करते थे और वो कविताएं हुईं कनाडा आई यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा यहाँ पर इंटरनेट का दौर आ चुका था पूरे विश्व से सबसे मुलाकातें हुई वर्चुअल और बहुत इस एक्सपोजर ने और ज़्यादा एक्सपोजर एक्सपोजर दिया मुझे कि और किताबों को पढ़ूँ और कवियों को सुनूँ और कवियों को पढ़ूँ इस तरह से मेरी भी किताब आई उनमेष जो कि पहली किताब थी मेरी काव्य संग्रह की उसमें सारे आ, कविताएं गज़लें वग़ैरह हैं और साथ में आया एक, एक एल्बम सफ़र जिसमें मैंने गाया है अपने ही गीतों को जिसमें एक ज़िंदगी की रूपरेखा है यानी कि शुरुआत होता है बचपन से और फिर ख़त्म होता है कि इंसान किस तरह से ख़त्म होती है उसकी ज़िंदगी वो भी बहुत सुंदर है मगर ऐसा नहीं ये सारी चीज़ें परिवेश से ज़रूर एनवायरनमेंट से ज़रूर प्रवाहित रहें प्रभावित रहीं मैं यही पूछना चाहूँगी मेरा पहला सवाल शैलजा जी आपसे <laughs> ये पंजाबी का जो अभी सेशन हुआ था उसमें बहुत सारी बातें कह दी गई और मैं अपना सोच रही थी कि अरे ये तो हो गई अब <laughs> लेकिन उसको हम थोड़ा सा और डाइसेक्ट करते हैं उसको हम और थोड़े अंदर तक जाने की कोशिश करते हैं शैलजा जी अभी मैं कह रही थी कि प्रभाव पड़ता है जो भी हम लिखते हैं उस पर क्या आपको भी ऐसा लगा ये इनकी किताब का ही शीर्षक है बिल्कुल मानुषी बिल्कुल मुझे ऐसा लगा क्योंकि कवि हो मनुष्य हो कवि होने से पहले हम मनुष्य होते हैं कविता नीरज जी कहा करते थे बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कि मनुष्य होना भाग्य है और कवि होना सौभाग्य है क्योंकि कवि के पास शब्द हैं कवि के पास कल्पना को उकेरने के लिए उसके पास एक भाषा है तो सोचते तो हम सभी प्रकृति को हम कहीं जाते हैं लेक पे जाते हैं लेक उनटारियों पे जाते हैं हमें बड़ी सुंदर लगती है साफ़ सुथरी सड़कें हमें दिखाई देती हैं कभी कभी हमें नौकरी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है वो भी दिखाई देती है कनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए होता है नए नए आकर के और उसके बाद हमें यहाँ की जो सरकार की नीतियाँ होती हैं उसमें हमारी जो और समस्याएं महंगाई बढ़ रही है रिसेशन आ रहा है इन सारी चीज़ों पर हम लोग सभी सोचते हैं कवि उसको लिखने की कोशिश करता है अब प्रश्न मेरी तरफ जो मुड़ा था कि मैंने ये क्या सोचा ये बिल्कुल सोचा और इस पर लिखा भी बहुत सी कहानियों में यहाँ का परिवेश उभरता है कहानी आपको एक स्वतंत्रता देती है छूट देती है कि आप उसमें एक पूरा वातावरण एक समाज आप बना सकते हो और उसमें आपका पात्र कैसे लड़ रहा है कैसे चल रहा है कैसे गिर रहा है और कैसे उठ रहा है वो चारों चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कविता भाव की एक तीव्र तरंग होती है एक वेव है वो उस भाव में इतना कुछ मिला होता है कि उस कविता को अगर अच्छी कविता लिखी गई है जिससे आप जैसे आपने शुरू में कहा कि पाठक जुड़ सकता है तो पाठक उस कविता को कई बार पढ़ना चाहता है आपको हो सकता है कि लगे कि एक लेक उन्टारियो की कविता है या बैम्फ की कविता है लेकिन उसमें फिर आपको हो सकता है कि मनुष्यता भी दिखाई दे उसमें आपको एक जो आपके टीचर ने कहा कि एक पाठ होना चाहिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो आपको दिखाई दे और कहीं ना कहीं एक शिक्षा भी दिखाई दे तो ये अलग अलग चीज़ें हैं या समाज के तो मैं एक आपको तीन पंक्तियाँ पढ़ती हूँ मेरी कविता बैंफ स्वागत है जो कि मैंने लिखी थी छोटा सा ही बिल्कुल कविता लंबी थी लेकिन प्यारे बैंफ मैं जा जा कर लौट आती हूँ तुम्हारे पास खींचता है आकर्षण का कोई पाश हम सब बैंफ को जानते हैं और सब उससे बहुत प्रभावित भी हैं सुंदरता से उसकी मैं लौट आती हूँ तुम्हारी विराट सुंदरता में अपनी लघुता को बहा देने के लिए तुम्हारे होने में अपने को पाने के लिए किसी तरह तुमसे एक हो जाने के लिए प्यारे बैंफ मैं जा जाकर लौट आती हूँ तुम्हारे पास वाह क्या बात है तो ये, ये ये प्रकृति है मैं अगर दिल्ली जाती हूँ या दिल्ली में रही हूँ वहाँ पे जो पेड़ों पर धूल मिट्टी की परत होती है उससे प्रभावित होकर भी मैंने लिखा कि कहाँ उसकी हरियाली खो गई और लेक ऑन्टारियो की सुंदरता पे भी लिखा तो ये दो 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 अलग परिवेश हैं वहाँ के बारे में और यहाँ पर जो सामाजिक आपने कहा प्राकृतिक तो जो बताया आपको तो अभी कुछ समय पहले भी मैं आ, बहुत सारे विषय हैं रिसेशन से लेकर के और यहाँ के जो हॉस्पिटल्स का इंतज़ार है उस पर भी तो बहुत पहले अभी जो पहले सेशन हो रहा था उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही थी उसमें भाषा की बात हो रही थी बहुत सरल सी कविता है ये कि फ्री है उपचार फ्री है उपचार मरीजों की लंबी कतार विशेषज्ञों का महीनों इंतजार बद से बदतर होता बीमार लेकिन फिर भी फ्री है उपचार बहुत तो, अच्छा। तो ये यहाँ की सामाजिक स्थिति है तो दोनों ही चीज़ें आती हैं मीना जी आपकी कविताएं तो एक तरह से तस्वीर खींचती हैं और आप की पैदाइश है नैनीताल की जो कि बहुत ख़ूबसूरत जगह है और ये कनाडा भी बहुत सुंदर जगह है और आपकी ये जो किताबें हैं मैं आप मैं देख भी रही थी तो उसमें तस्वीरें भी बहुत खूबसूरत हैं तो आपकी कविताओं का मुझे लगता है यहाँ के प्राकृतिक परिवेश का बहुत असर रहा है क्या मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल मानुषी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और एक जैसे शैलजा जी ने कहा कि कविता जो है वो भाव होते हैं भाव बहने लगते हैं तो बहुत ही साधारण शब्दों में मैं कहूँगी कि जैसे कि हम कुछ देखते हैं और वो हमारे अंदर चला जाता है पता नहीं कहाँ जाता है बहुत गहराई में चला जाता है हमें पता भी नहीं चलता अंदर कुछ चर्निंग होती है चर्निंग के बाद फिर वो एक कुछ बाहर आता है कई बार मेरे को तो पता भी नहीं चलता कुछ बाहर आता है पेन होता है हाथ में और कविताएं बनने लगती हैं तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है तो अगर थोड़ा सा इसको मैं घूढ़ शब्दों शब्दों में कहूँ क्रिएटिविटी कम्स टू द कॉन्शियस लेवल आपकी जो रचनात्मकता है वो आपके अचेतन से चेतन की तरफ आती है लेकिन वो जो अचेतन है वो आपका प्रभावित है बाहर के पर्यावरण से तो ये एक क्रिया है जो हम सबके साथ होती है और वो क्रिएटिविटी जो है हम सबके ही अंदर है तो मेरे को तो नेचर का मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव रहा है क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत जगह में मेरा जन्म हुआ यहाँ के हम यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उन्होंने भी नैनीताल का सुना होगा तो उसका तो मैं वर्णन करते हुए रुकती नहीं हूँ और ये मेरा बहुत सा भाग्य था कि मैं तीन तक वहाँ रही तो नेचर रही और नेचर के साथ रही तो वहाँ मुझे डूबता सूरज दिखाई देता था और बहुत सुंदर था और जब मैं कनाडा आई तो यहाँ का तो सूरज आप मतलब फॉल में आप पागल हो जाओ उसको देख के तो मेरी कविताएं जैसे मेरा जो घर था उसके सोलेरियम में वहाँ से मुझे रोज़ शाम को वो डूबता सूरज दिखाई देता था और वो जैसे कि मतलब कविताएं और वो सोलेरियम में बैठ के मैंने पता नहीं कितनी सारी कविताएं लिख जा रही हैं और पता है शैलजा जी को भी कि फिर वो किताब आप लोगों सबके सहयोग से वो किताब भी निकली तो इस तरह से मेरी मीना जी मैं थोड़ा सा आप जब कह रही हैं कि नैनीताल में वैसा डूबता सूरज दिखता था इतना खूबसूरत और यहाँ की प्रकृति भी तो आपने जो यहाँ पर आकने के बाद प्रकृति पर कविता लिखी जब हम बातचीत करेंगे अगर आपके पास अभी इमीडिएटली नहीं है तो और जो नैनीताल में बैठ कर लिखी नैनीताल मैंने मेरा लेखन बहुत देर से शुरू हुआ अच्छा मतलब मैं बचपन में लिखती थी लेकिन बहुत कम पेंटिंग ज़्यादा करती थी तो मेरा लेखन जो है वो नाइन्टीज़ में शुरू हुआ अंग्रेजी में लिखा पहले यहाँ आके मैंने हिंदी में लिखा तो हिंदी अच्छा। में लेखन मेरा देर से शुरू हुआ आप थोड़ा सा अपना पढ़ के बताएं कुछ अगर तो? तो मैं एक चीज हाँ मैं एक कविता जैसे सूरज से प्रभावित होकर जो कविता मैंने यहाँ लिखी जी, जी। अंग्रेज़ी में भी लिखी वो आ, मेरी कविताएं प्रभावित रही फॉल सीजन से तो उसका हिंदी में भी निकालूँगी जल्दी ही आ, बड़ी क्योंकि सूरज हम सबको जोड़ता है वो चाहे वहाँ निकल रहा हो चाहे यहाँ निकल रहा हो यूनिटी का एक सबसे बड़ा सिंबल जो है वो सूरज ही है वक्त इस कविता का शीर्षक है एक पिघलता सूरज देखा है मैंने तुम्हारी आँखों के किनारे पर एक पिघलता सूरज देखा है मैंने तुम्हारी आँखों के किनारे पर कभी देखा है किनारों से पिघलता रंग गिरकर दरिया में बहता होगा और कभी और कभी दरिया को इन्हीं रंगों में बहते है देखा है देखा है जो कुछ भी बस बहता ही देखा है वाह क्या बात है क्या बात है जी इरफान भाई कंटेम्प्री पोट अवार्ड बेस्ट मिला है आपको और आपकी मैंने शायरी पढ़ी है इतनी उम्दा शायरी कल हमारा जो सेशन भी हुआ यहाँ पर आ, मुशायरा हुआ इरफान भाई आपके गज़ल आपकी ग़ज़लें एकदम दिल को छू जाती हैं फिर वही बात आ जाती है कि हम ख़ुद को कनेक्ट कर पाते हैं आप जो लिखते हैं उसके साथ और सबसे अच्छी बात यह कि ऐसा लगता है जैसे कोई बात कर रहा हो ऐसा नहीं लगता कि वो शायरी है शब्दों को इधर उधर घुमा के लिखा गया हो आप बहर में इस तरह से कैसे लिख लेते हैं जैसे कि कोई बात कर रहा हो <laughs> आ, शुक्रिया मनोषी थोड़ा सा हम आप उस टॉपिक से हट जाएंगे मगर जो सवाल आपने किया आ, देखें बात यह होती है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जैसे अभी मीना जी भी फरमा रही थी कि आपके सब कॉन्शियस में जाती हैं चीज़ें वहाँ वो प्रोसेस होती रहती हैं और फिर वो जब कॉन्शियस में आके आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसके पीछे एक लंबा सफ़र होता है बाज़ात महीनों का बाज़ात बरसों का बाज़ात आपको मालूम ही नहीं होता कि ये चीज़ आपके सब कॉन्शियस में कहाँ रह गई सवाल जो आपका है उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्राफ़्ट है हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को बहुत जल्दी शायर तस्लीम भी कर लेते हैं और उसके बाद उस क्राफ्ट पे मेहनत करना छोड़ देते हैं हमारा ये ख्याल होता है कि मसला ही कोई नहीं मैं ये देखता हूँ देखो मैंने इसको मौज़ों कर दिया मिसरों में और बन गया मामला आपने जो बात की ना कि लोग जुड़ पाते हैं उसकी वजह यही है कि लोग कभी भी मौज़ों कलाम से नहीं जुड़ते बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो मीटर में कह लेंगे उसमें कोई गलती भी नहीं होगी मगर आप कहेंगे ये मुझ तक पहुँच नहीं रहा मज़ा नहीं आ रहा जो वाह आपके दिल से निकलती है जब आप बैठे होते हैं किसी महफिल में वो वाह ख्याल पर नहीं निकलती वह वाह हमेशा क्राफ्ट पे निकलती है कि उसको एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है हमारा सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि हमने शायरी को बहसीत एक एस्थेटिक्स आर्ट के अप्रिशिएट करना छोड़ दिया हम शायरी को अब बात करने का मीडियम समझने लगे कि मैंने अपने अतराफ कुछ देखा उसको मैंने लफ्ज़ों में ढाला और मैंने उसको सुना दिया शायर का ये काम ही नहीं है शायर का काम इनकलाब लाना नहीं है शायर का काम मंजर कशी करना नहीं है शायर का काम आपकी कॉन्शियसनेस में एक हैजान बरपा करना है और आपको सोचने के नए जाविये फराहम करना है उसके लिए पहले तो अपने ऊपर काम करें ना कि वो अगर आप किसी फन में अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो क्या उसका ये हक नहीं है कि आप दस पंद्रह बीस पच्चीस साल दें उसको और फिर कुछ ऐसा निकल के आगे एक में बड़ी अजीब सी आपको मिसाल देता हूँ फैज और जालिब हबीब जालिब, दो नाम मैं आपके सामने लेता हूँ ठीक है ना दोनों में से आपकी नज़र में बड़ा शायर कौन है अमित आप खुद हैं, बताइए कौन है क्यों अगर आप देखें कि मजाहमती शायरी में जालिब का जितना काम है और जितने लाउड वो हैं और जितना बॉडी ऑफ वर्क है फैज का तो कुछ भी नहीं तो फैज बड़े शायर क्यों हैं क्योंकि फैज़ का क्राफ्ट मज़बूत है उन्हें ज़ुबान आती है उन्हें मिसरा साजी आती है उन्हें ये पता है कि अपनी इमेजरी को शायरी में कैसे ढालना है ठीक है जब यह चीज़ आपके पास होती है तो देखें सेंसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं सेंसिबिलिटी का जोग्राफी से ताल्लुक़ ही कोई नहीं सेंसिबिलिटी जो है वो ज़ुबान से जुड़ी हुई होती है कल्चर से जुड़ी हुई होती है और आपकी नफसियात से जुड़ी हुई होती है ठीक है उसके बाद आप मुझे कराची में बिठा दें या आप मुझे इंडिया में बिठा दें या आप मुझे यहाँ ले आइए सेंसिबिलिटीज़ तो बड़ी हकीकतों से जुड़ी हुई होती है बाकी तो फौरी तासर है मैं अगर कहीं जाऊँगा मुझे कोई चीज़ खूबसूरत लगेगी उसके बारे में मैं इजहार कर सकता हूँ लेकिन वो सेंसिबिलिटी कभी भी कॉन्टेंट नहीं होता इट सेल्फ सेंसिबिलिटी इज़ द अंडर कि उस कॉन्टेंट के पीछे क्या चल रहा है मसला अगर मुश्त ख़बर पहुँचती है कराची से कि इतने लोग कत्ल हो गए अब एक तो मैं वो वाक़ बयान कर सकता हूँ या फिर मैं इस तरह कहता हूँ कि मेरा एक शेर है कि मैं जाग जाग के किस किस का इंतज़ार करूँ मैं जाग जाग के किस किस का इंतज़ार करूँ जो लोग घर नहीं पहुँचे वो मर गए होंगे गे? अब उसमें कोई वाकया नहीं है किसी तरफ इशारा नहीं है मगर एक सेंसिबिलिटी तो है ना कि कोई भी आदमी कहीं भी चाहे वो कराची में मरा हो या नेपाल में मरा हो या अमरीका में मरा हो वह इंसान था और उसका दुख मेले बराबर है पहले तो हमें थोड़ी सी अपनी जहनी सरहदें खोलनी होंगी कैनेडियन राइटर कोई नहीं है मैं तो उर्दू का राइटर हूँ आप मुझे ले जाके जो कल भूटान में बिठा दीजिए मैं तब भी उर्दू शायरी कर रहा हूँ और मेरा ऑडियंस कैनेडियन गोरा नहीं है मेरा ऑडियंस उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग ही हैं तो वही मेरी दुनिया है वहीं से मेरी सेंसिबिलिटीज़ ड्रॉ होती हैं और वहीं पे मेरी कॉन्शसनेस ऑपरेट करती है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम समझना शुरू करें तो बहुत सारी गुथियाँ हमारे लिए सुलझना शुरू हो जाएंगी इरफान भाई आपने इतनी अच्छी तरह से बात को मोड़ा कि अब वो सेंसिबिलिटी के साथ ही मैं आ रही थी और हम उस बात पे अब बातचीत शुरू करते हैं कि आपने जैसे कहा कि हमारे अंदर जो सेंसिबिलिटी होती है हम उसको कविताओं में लेकर आते हैं उसका प्रकृति के साथ उसका कितना जुड़ाव है हम नहीं जानते नहीं कह सकते लेकिन मेरा थोड़ा सा मानना ये है कि नहीं हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ के परिवेश से भी जो हमारी सेंसिबिलिटी है वो प्रभावित होती है मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर मैं लिख रही हो रही थी जब मैं भारत में थी तब कविताओं में वहाँ का इतिहास आ जाता है जब मैं यहाँ हूँ यहाँ पर स्कूल में पढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि स्कूल में हमारी जो सोशल स्टडीज़ की किताबें हैं उसमें रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ाते हैं बच्चों को बताते हैं कि इतिहास में क्या हुआ क्या ठीक हुआ क्या नहीं हुआ उस वक्त मैं एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ उसको हम कहते हैं हम जब अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाते हैं कहते हैं एक स्ट्रैटी होती है रीडिंग स्ट्रैटेजी मेकिंग कनेक्शंस तो ये एक स्ट्रैटेजी हम बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से तुमने कनेक्ट किया मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको कनेक्ट करती हूँ अपने उस समय के उस इतिहास के किताब के साथ जहाँ पे मुझे पढ़ाया जाता था कि ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से क्या अत्याचार किए और किस तरह से मैं उसको पढ़ते हुए ख़ुद को मेरी सेंसिबिलिटी मेरे इमोशंस जागते थे और मैं कविताएं लिखा करती थी आज मैं उन चीज़ों के मैं रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में अब पढ़ रही हूँ नहीं पता था मुझे बहुत ज़्यादा उसी चीज़ के साथ कनेक्ट करती हूँ और फिर लिखने की कोशिश करती हूँ मेरी सेंसिबिलिटी स्मृतियों से जुड़ी हुई हैं इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते अनुभव हमारे हमारी जो कविता है हमारे अंदर वो फूटती है तब जब हम उसको महसूस करते हैं परिवेश का उस पर बहुत बड़ा हाथ है मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं वो हम कहीं की भी हो सकती हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर रहे होते हैं कुछ आप कहेंगे जरूर हाँ। <laughs> देखें बात यह है कि शायरी जो है ना वो किसी एजेंडे के तहत नहीं की जाती वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त मसलन अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी मिट्टी से अपने लोगों से कट चुका हूँ यकीनन इससे बड़ा कोई सानहा नहीं क्या बात तो मैं कराची में बैठ के तो नहीं कह सकता था ना जब हिजरत हुई तो ये सारे गम मेरे सामने आ रहे हैं बात सिर्फ इतनी सी है कि शायर किसी ऑब्जेक्टिव के साथ जब क्रिएट करता है ना तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ उसकी शायरी मर भी जाती है जब मीर का हम शेर पढ़ते हैं कि कैसा चमन के हमसे असिररों को मना है चाके कफस से बाघ की दीवार देखना इसको मैंने री इंटरप्रेट किया जब कोविड हुआ मैंने कहा यार ये बात तो 300 साल पहले मीर साहब ने कही थी हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था तो शायरी के अंदर जब हम एक शायरी की अच्छी सतह की तरफ या बड़ी सतह की तरफ जाते हैं तो वो टाइमलेस हो जाती है और उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती उसको आप री इंटरप्रेट अपने हालात के मुताबिक कर सकते हैं तो उस बात से तो कोई इनकार नहीं है कि जो आपका बैकग्राउंड है जो आपकी हिस्ट्री है जो आपकी सेंसिबिलिटीज वहीं से बनकर आ रही होती हैं यहाँ जब आते हैं तो उसमें एडिशनल शेड्स आ जाते हैं हमने हिजरत का गम सहा पाकिस्तान में हम रहते थे तो बादशाह थे सब लोग जानते थे यहाँ आए तो यू आर अ नॉन एंटिटी आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं अपने आप को इस्टबलिश करना तो वो सारे मसाइल आपकी शायरी में आएंगे मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम शायरी को एज़ एन आर्ट फॉर्म अप्रिशिएट करना और डेवलप करना नहीं सीखेंगे और प्लस वाक़ निगारी से बाहर आ जाए कि जो देखा वो लिख दिया वो शायरी नहीं होती वो तो रिपोर्टिंग है कि आपको चूंकि मौजू का है आपको बहर में लिखना आता है तो आपने उसको बहर में कर लिया और रिपोर्टिंग कर दी आज से पचास साल बाद कोई आदमी आपकी शायरी को क्यों पढ़ेगा ठीक है वो उसी वक्त पढ़ेगा जब वो आज के मुताबिक चीज़ों को री कर सके तो सिर्फ वही बात है कि अंडर जब तक हैं सेंसिबिलिटीज़ की वो शायरी को बड़ा बनाती जाएंगी उसमें वैल्यू एड करती जाएंगी अगर वो सामने सामने की बातें हैं तो फिर उसकी लॉन्जिविटी नहीं होगी फिर वो रह नहीं सकती ज़्यादा मुझे इतनी ख़ुशी है कि हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं इतना कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से इरफान भाई की बातों से सीखने को मिल रहा है कितना कुछ हमारी जो ब्रॉड हो जाती है हमारी थिंकिंग भी हम इन चीज़ों को आत्मसात करते हैं शैलजा जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में बिल्कुल कहना चाहूँगी <coughs> बात तो देखिए जो कही जा रही है जो आप कह रही हैं जो सत्तार जी कह रहे हैं एक ही बात है और जो हमारे बहुत समय से पहले मुझे ध्यान आते हैं सामने संदीप जी बैठे हैं कि भरत मुनि ने जब अपना नाट्य शास्त्र लिखा था हज़ारों साल मतलब कितने ही साल बीत गए मिलियंस ऑफ तो उन्होंने कहा था कि नौ रस हैं इसमें किसी के भी कविता में भाव में मनुष्य के जीवन में नौ रस उन्होंने बताए थे आज के समय में भी 2023 में और 2050 में भी वो नौ रस हमारे जीवन के मूल रस हैं उसमें से फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकलती जाती हैं तो जो सेंसिबिलिटी की बात कही जा रही है वो सेंसिबिलिटी वहीं से पैदा होती है और फिर जो क्राफ्टमैनशिप की बात कही जा रही है निस्संदेह जो आजकल फेसबुक पे या हम जैसे ही चार लाइनें लिखी लिखते ही छपा देने की छपाते ही समीक्षक से प्रशंसा पा लेने की या उसके बाद फिर पुरस्कार पा लेने की जो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं वो कविता है ही नहीं मैं उसे कविता जो आपने कहा रिपोर्टिंग मैं उसे कविता मानती ही नहीं तो बातचीत जो मीना जी ने कही सत्तार जी ने कही और आपने भी कही कि हमारी जो स्मृतियाँ हैं हमारा जो इतिहास है जिसमें हमारी अपनी मिट्टी की और हमारी मिट्टी की ही नहीं हमारे अपने बड़ों की हमारे बड़ों से बड़ों की और उसके अलावा जो हमारे अपने मिथक हैं हमारा अपना जो इतिहास है वो चीज़ें आती हैं तो जैसे नॉरस थे ठीक उसी तरह से हमारा इतिहास है चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कनाडा में हो कनाडा में आग लगी हुई है इतनी सारी जगहों पर आग लगी हुई है हम लोग जुलस रहे हैं भारत में बाढ़ आई हुई है लैंड हो रहे हैं मर कौन रहा है आदमी उस आदमी के मरने से जो भाव हमारे मन में पैदा हो रहे हैं चाहे आपने जो कहा कि कराची में बैठ के लिखूँ चाहे भूटान में मरने का जो दुख है लोगों के ना लौटने का जो दुख है वो दुख तो हर जगह रहेगा इसलिए एक होता है लोकलाइजेशन और होता है ग्लोबलाइजेशन तो जो भाव हैं वो ग्लोबलाइजेशन ही नहीं वो समय की सरहद को पार करते हुए चलते हैं इसीलिए तुलसी 500 साल के बाद भी आज भी तुलसीदास जी की रामायण जो है मानस है वो उतनी ही ज़्यादा लोकप्रिय है मान्य है आदरणीय है और फीजी और सूरी नाम जैसे लोगों के लिए तो महारानी है वो रामायण महारानी है तो ये चीज़ें जो कि कंटेप्रेरी सिचुएशंस को जो समय पे लिखी जा रही थी उनको लेकर के कैसे लोकल को लेकर के कैसे ग्लोबल भाव को एक जमीन से लेकर के कैसे आप आसमान तक और आसमान और सूरज कहीं अलग नहीं होते हवाएं अलग नहीं होती तो उन हवाओं तक कैसे पहुंचते हैं कैसे वो आत्मा तक उतरती है जब चीज़ कोई आत्मा में उतरेगी भाव कैसे पैदा होता है उसका बड़ा साइंटिफिक तरीके से भरत मुनि ने बताया था तो वो सब मैं नहीं बताऊंगी अभी भाव विभाव संचारी पूरा प्रोसेस बताया हुआ है उन्होंने लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि भाव पैदा कब होते हैं जब चीज़ भीतर उतर जाती है और जैसे मीना जी ने कहा ज़रूरी नहीं कि आज मैंने कुछ देखा आज आग लगी है कैनेडा में तो तुरंत ही मैंने लिख दी हो सकता है बहुत समय के बाद मैं उस चीज़ पर लिख रही हूँ जैसे कि रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में आप कह रहे हैं बहुत सालों से बातचीत हो रही थी लेकिन अब खुदाई हुई तो अब 2017 में फिर से जो कानून आदि आ रहे हैं जो भी सारी चीज़ें तो एक लंबा समय लगता है पकने में कच्ची मिट्टी को आप रख देंगे तो वो तो टूटेगी पके बिना तो बात बनेगी नहीं पकेगा पात्र को सुपात्र होना पड़ता है पात्र तो हर कोई है लेकिन सुपात्र कवि है और कवि को पकने को का इंतजार करना पड़ता है और उस पके में जो चीज़ डालेगा वो टिकेगी जो टिकेगी वो आगे तक चलेगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी मेरा एक आप जब अभी बात कर रही थी तो मुझे एक छोटी सी चीज़ लग रही है कि मैं कहूँ कि अभी जब हम परिवेश की बात कर रहे हैं उसके पहले हम थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं तो तब तक मैं शेर भी ढूंढ लेती हूँ और वो नहीं मैं आपने बहुत अच्छी गुफ्तु की और बिल्कुल यही बातें अगर हम मजमुई तौर पर समझना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारी तखलीकी सतह खासी बुलंद हो सकती है हमारे यहाँ हम सब उजलत का शिकार हैं कि हमें आज फैसले चाहिए आज हमें तय करना है आज हमें यह मानना है कि हम कहाँ खड़े हैं मेरा एक शेर था कि मकाम किसका कहाँ है बुलंद किससे है कौन मियाँ ये फ़िक्र करोगे तो शायरी से गए तो तख्लीकार का तो ये काम ही नहीं है ना उसका काम तो तख्लीक़ करना है एक छोटी सी बात मैं कह दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त तख्लीक कर रहे हो लेकिन हर वक्त एक तख्लीकी रचाओ में रहना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठू मैं कहूँ यार मैं तो शायर हूँ मैंने छः महीने से कुछ नहीं लिखा हो सकता है मैं छः साल कुछ ना लिखूँ मगर उन छः सालों में क्या मैं शायर हूँ और शायर किस वक्त होता है जब आपकी सेंसिबिलिटीज़ उतनी ही शार्प हैं जब मैं कहता हूँ कि आ, मुझे तो ऐसे हर एक आदमी पे हैरत है मुझे तो ऐसे हर एक आदमी पे हैरत है जो ऐसे दौर में ज़िंदा तो हो उदास ना हो तो ये जो एक हम वक्त उदासी है वो क्या है ये सेंसिटिव होना है अपनी सराउंडिंग से अपने लोगों के दुख से अपने मसाइल से ये अगर आपके अंदर हर वक्त बेदार है ना तो फिर आपकी तखलीकी सलाहियत आपको लेके चलती रहेगी लेकिन अगर आप एपिसोड्स में चलेंगे कि अच्छा ये वाक्य हो गया मैं जल्दी से लिख के कुछ फेसबुक पर लगा दूँ ताकि मैं ये बता दूँगी जी मैं शायर हूँ देखे मैंने लिख दिया ये काम होता है खराब तो अपने आप के अंदर इन्होंने जैसे कहा कि कच्ची मिट्टी ना बने उसको रचने दें उसको पकाएं और फिर वो अपने तौर पे जब बाहर आएगी तो उसकी जिंदगी भी तवील होगी और उसकी रीच भी बहुत ज्यादा होगी मीना जी आप कहेंगे इस बारे में कुछ इस संदर्भ में इनकी बात को आगे हाँ। ले जाते हुए कहना चाहती हूँ मीना जी आ, माइक थोड़ा सा भारतीय परिवेश में हिंदी भाषा या संस्कृत में जहाँ हम कहते हैं तो भाषा के चार रूप माने गए परा से शुरू होती है जैसा आप जानती हैं फिर पश्यंती परा तो ब्रह्मनाथ से ही मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जानती होंगी और उसके बाद पश्यंती जो हमारा अचेतन मन है फिर उसके बाद भाषा का रूप आता है जो है मध्यमा और फिर जो हम बोलचाल की हमारी भाषा है वहाँ हम बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पे, जिसको चेतन अवस्था में हम आ जाते हैं और बैखरी तो हम जो कवि है वो बैखरी तक नहीं सीमित रह सकता वो जब तक उसके पीछे और उसके पीछे नहीं जाएगा परा तक तो पहुँचना जैसे असंभव बात ही है लेकिन ये कहना और भारतीय परिवेश में ये बात कही जाती है और बहुत कही जाती है जो हमको वेस्ट में कम सुनने को मिलती है वो है कि काव्य जो है वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है ये बहुत ही एक कॉमन बात है तो अध्यात्म क्या है वो हमारे बिल्कुल अनकॉन्शियस ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ है तो वही हमारी सेंसिबिलिटीज़ को जागृत करता है तो और वहाँ से ही हम आगे बढ़ वाह क्या बात कही आपने वाह बहुत सुंदर अब जब आप ये बात कर रही हैं और क्योंकि हम परिवेश की बात कर रहे हैं इन्वामेंट की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर हमारी पोइटिक सेंसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो मुझे मेरा एक शेर याद आया जिसमें मैंने लिखा था कि अब उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं अब उसी के वास्ते, उसी के वास्ते घर में कोई कमरा नहीं वो जो इस घर के लिए सारी जवानी दे गया वा, 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 अब हम कह रहे हैं वाह वा, क्योंकि हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं अगर मैं इसे किसी कनेडियन को सुनाऊं जो कि यहाँ पे पले बड़े हैं क्या वो रिलेट कर पाएंगे इसको तो यही बात है कि सेंसिबिलिटी भी हमारी परिवेश से जुड़ती है अगर हम ये कहते हैं क्या ओल्ड एज होम्स आर सो ब्यूटिफुल वहाँ पे इतनी अच्छी वो है लेकिन हम उस ब्यूटिफुल ओल्ड एज होम में भी अपने माता पिता को रखने के बाद शायद शायरी लिखें तो यही बात आ जाती है सेंसिबिलिटी की आप कुछ कहना चाहेंगे इरफ़ान भाई अरे मैं ये एक बड़ा अच्छा आपने नुकता उठाया इस पर मेरा एक और सवाल है कि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं कि जी चूंकि हम कैनेडा में रहते हैं इसलिए हमारी चीज़ों का अंग्रेज़ी तर्जुमा होना चाहिए ताकि हमें मेन स्ट्रीम में जगह मिले और हमें आपको नहीं मिलेगी जगह कर लीजिए जो भी करना है मतलब मेरी गज़ल मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकती उसकी सेंसिबिलिटीज़ बिल्कुल अलग हैं मैं उसका ट्रांसलेशन ही नहीं कर सकता मैं एक शेर दोस्तों को सुनाता हूँ हमारे बड़े अच्छे शायर थे रसा चुखताई उनका एक शेर है अमित देखो ये कि वो पहरों आई ना क्यों देखता है वो पहरों आई ना क्यों देखता है मगर ये बात मैं क्यों सोचता हूँ <laughs> तो ये बारते, क्या बारते। एक प्योर मशरक़ी शेरियात हैं ये हमारे हमारी मोहब्बत हमारे ताल्लुक़ हमारा सोचने का अंदाज़ ये गोरा नहीं समझ सकता अब मसला ये कि हमें क्यों ये प्रॉब्लम रहता है पचास करोड़ साठ करोड़ उर्दू पढ़ने वाले अगर मैं एडल्ट लेता हूँ तो पाकिस्तान में ठीक है ना उसको आधा कर लीजिए बीस पच्चीस करोड़ तो है ना जो उर्दू पढ़ सकते हैं इंडिया में चला जाऊँ तो इतने लोग और हैं बांग्लादेश चला जाऊँ तो दस करोड़ वहाँ भी हैं पचास सात करोड़ की आबादी में पाँच सौ कॉपियाँ तो मेरी किताब की बिकती नहीं है ठीक और मुझे फिक्र रहती है इंटरनेशनल रिकग्निशन की और मेन स्ट्रीम की भाई कहाँ हो आप तो अपने मुआरे से कटे हुए हो के, और वो क्यों कटे हुए हो आप कि हमने जो मैंने पहले बात की थी कि जब तक हम पोइट्री को एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे देखें बच्चा किस चीज़ की तरफ रागिब होता है जो उसको अच्छी लगे आप उसको फलसफा सुनाएंगे और आप लोग कहेंगे देखो इसमें शायर ने ये कहा है वो कहेगा रखो अपने पास मुझे नहीं सुनना लेकिन देखो ये शायर ने कैसे कहा है तुम पढ़ो तुम्हें मजा आएगा हमने बचपन में इसमाइल मेरिठी की नज़में पढ़ी घर में हमारे तालीम और तरबियत और नौने हाल और रिसाले आते थे वहाँ से हमारी हमें समझ कुछ नहीं आता था गालिब बारह साल की उम्र में पढ़ लिया एक लफ्ज़ पल्ले नहीं पढ़ा लेकिन वो जो रिदम था ना उसको मैं इन्जॉय करता था और मेरे पेरेंट कहते भी तो समझ आता है मैंने कहा कुछ नहीं समझ आता मज़ा बहुत आता है ठीक है अब उस मज़े को तो हमने ख़ुद छोड़ दिया क्योंकि हम तो शायरी में बात करते जिसको देखो वो ख्याल बांध रहा है शायरी में भाई पहले उसका जो काम था वो तो हो जाने दो ना म्यूज़िक से क्यों आप ये तबक् नहीं करते कि समाज बदल दे पेंटर से क्यों नहीं शायर के ऊपर आपने ये सब डाल दिया आज तक दुनिया की तारीख में शायरी से कोई इनकलाब नहीं आया ना कभी आएगा तो इस चक्कर में ना पढ़ें खूबसूरती क्रिएट करें उसको अप्रीशिएट करवाएं लोगों के अंदर तहमुल पैदा होगा टॉलरेंस बढ़ेगी आदमी टॉलरेंट होता है अगर वो अंदर से भरा हुआ हो अगर इनटॉलरेंट होता ही वो है जिसके अंदर एक हैजान बढ़ पाए शायरी का काम है उसको सोचने के नए जाविये देना और सुन के उसके दिल को सुकून देना मजा आए कि अरे भाई क्या बात है मुशायरे से आप निकलते हैं अच्छी महफिल सुन के गज़ल की निकलते हैं तो आप कहते हैं यार आज बड़ा मजा आया नींद आएगी अच्छी ये, ये मजा जो है ना इसको रीडिस्कवर करें यही सेंसिबिलिटी है इसको अगर हमने समझ लिया तो फिर बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी इरफान भाई आपकी इस बात से मैं थोड़ा और आगे जाना चाहूँगी एक शब्द यहाँ पर साहित्य साहित्यकारों के लिए बहुत ज़्यादा चल पड़ा है प्रवासी साहित्य और मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं एज़ अ मॉडरेटर मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं होना चाहती कि यह शब्द सही है या ये शब्द गलत है होना चाहिए इसका इस्तेमाल मेन स्ट्रीम की बात की आपने अगर तो इसका उर्दू तर्जुमा करो तो मुझे भी समझ है हाँ जी प्लीज़ क्या कहेंगे इमिग्रेंट राइटिंग राइट इमिग्रेंट राइटिंग हाँ तो उसको हम कहते हैं प्रवासी साहित्य यानी कि यहाँ पर आने के बाद मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इसके बारे में Okay, यहाँ पर आने के बाद हमने जब हम जब लिखते हैं तो एटलीस्ट भारत में तो मुझे पता है कि प्रवासी साहित्य का एक तरह से नहीं कहना चाहती मैं मगर लेबल लगा है कि मैं प्रवासी साहित्यकार हूँ शैलजा प्रवासी साहित्यकार हैं मीना जी प्रवासी साहित्यकार हैं इरफान जी प्रवासी साहित्यकार हैं और भारत के मेन स्ट्रीम में जबकि हम तो वहाँ कनेक्ट करते हैं आप कह रहे हैं कि यहाँ के मेन स्ट्रीम में आना मुश्किल है क्योंकि हम उनके साथ नहीं वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे लेकिन हम तो वहाँ की बातें ही वो तो समझ पाएंगे हमारी बातें मगर उसके बावजूद एक लेबल लगा हुआ है प्रवासी साहित्यकार आप इसके बारे में क्या कहती हैं क्या सोचती हैं शैलजा जी मीना जी इरफान जी सबसे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ देखिए थोड़ी देर पहले जब जगमोहन सांगा जी डॉक्टर साहब अपना वो जब पूछ रहे थे पैनल चल रहा था तो उन्होंने एक शब्द कही पूछा था परफेक्शन के साथ लिखने के बारे में और सभी लोगों ने सुरजीत जी ने निर्मल जी ने सभी ने कहा था कि भाई लिखते चलो एक यात्रा होती है इसी तरीके से किसी भी विमर्श किसी भी तरीके का जो भी अब मैं विमर्श को आपको उर्दू में कैसे समझाऊं लेकिन ये कि जिस भी तरीके की एक बातचीत चल पड़ती है जिस भी तरीके की एक लाइन चल पड़ती है धारा चल पड़ती है जैसे फेमिनिज्म चल पड़ा तो जो इज़्म है ना जो भी कोई इज़्म चलते हैं उसी में इमिग्रेंट राइटिंग का भी इज़्म जो चला उसकी एक अपनी जर्नी है उसकी अपनी एक यात्रा है मैं और आप यहाँ 2023 में बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं चलो कह लेते हैं कि 20 साल पहले आए थे 10 साल पहले आए थे लेकिन 1950 से 1940 से जो लोग भारत से निकले हुए थे थोड़ा बहुत लिख रहे थे इंटरनेट नहीं था प्रकाशन नहीं था कैसे अपनी बात को कहाँ तक पहुँचाएँ और उनके सामने ज़िंदगी के जद्दोजहद बहुत थी तो जो कुछ लिखा भारत में भेजने की कोशिश करी उसको जनरली ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया मैं अपनी भाषा में अंग्रेज़ी के शब्दों का इस्तेमाल कर ले रही हूँ थोड़ा छूट ले रही हूँ ये कि ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि इनकी तो भाई लिखाई जो है वो यहाँ के जो इस समय पे लिख रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े लोग लिख रहे थे भीषमसानी और ये सब बड़े बड़े जो लेख लोग लिख रहे थे राजेंद्र सिंह बेदी कृष्णचंदर कि भी इनके बराबरी में तो कहीं ठहरती ही नहीं तब ये वाली बात हुई कि कहीं तो इन लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए जो अपनी भाषा से अपनी संस्कृति से अपने कल्चर से जुड़े रहने के लिए इतनी उतावले हैं मन इतनी मन में आकुलता है व्याकुलता है उनके मन में तब एक शब्द चला प्रवासी चलो इनको कहते हैं कि प्रवासी उस जमाने में इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी लोग भी नहीं थे पता ही नहीं था कि कहाँ कहाँ पर लिखा जा रहा है जनरली मॉरिशस में लिखा जा रहा था फ़ीजी में लिखा जा रहा था सूरी नाम में लिखा जा रहा था ये थोड़ी सी बात अलग हो जाएगी लेकिन हमारी ऑडियंस बड़े अच्छे से सुन रही है तो इसलिए मेरे मन में आ रहा है कि कहूँ कि जब आज़ादी नहीं मिली थी हमको तब फी में लोगों को कैसे ले जाया जा रहा था उस बात पर आ, लोग बहुत परेशान थे धोखाधड़ी करके और एग्रीमेंट उसको गिरमिटिया कहा गया एग्रीमेंट ही बिगड़ के शब्द गिरमिटिया बन गया तो उसको वहाँ पे साइन करवा लिए कि पास में ही है एक आइलैंड है तुमको ले जाएंगे खाना पीना मिलेगा पैसा मिलेगा आराम से रहना ज़िंदगी बसर करना तो ये कह के बेचारे जो भोले भाले लोग थे और जनरली यूपी के गाँव से आए हुए लोग थे उनको ले जहाज़ों में भर के ले गए और महीनों तक चलते रहे और फी जी पर उतारा और वहाँ पर वो बन गया उनका पूरा जो कंट्रोल करने वाला मास्टर इक्कीस साल के बाद पासपोर्ट रख लेते थे जैसे हम लोग सुनते हैं कि कई सऊदी के और इन सब देशों में पहले जो जा, जैसा हो रहा था अब तो नहीं शायद होता होगा लेकिन उस जमाने की बात कर रही हूँ अट्ठारह के आसपास की बात कर रही हूँ तो उस समय पर एक थे तोताराम सनाडे वो किसी तरह भाग भाग के वो आ गए भारत और वहाँ आके उन्होंने कहा लोगों को बताना शुरू किया कि मत जाओ मत जाओ कोई उनकी बात सुनने को तैयार ना हो मदन मोहन मालवीय जी के पास पहुँचे और उन्होंने बैठ करके उनकी बात सुनी अब हिंदी लिखना भूल चुके थे कैसे लिखें क्या लिखें इतने पढ़े लिखे भी नहीं उस ज़माने में थे मदन मोहन मालवीय जी ने किताब लिखी मेरे वो 21 वर्ष और हम मतलब दी तो फ़िज़ी जी मॉरीशस इन सब लोगों की एक जर्नी थी तब हमने कहा प्रवासी आज के समय में कनाडा में इतने लोग हैं फिजी मॉरीशस सब में अपने इंडिपेंडेंटली लिखने वाले लोग हैं नेट आ चुका है और कोविड के समय तो मुझे इतने इतने देशों के लोगों के से जानकारी मिली संदीप uh, जी खुद भी भाग लेते रहे उनमें तो अब ये ज़रूरत महसूस होती है कि इस शब्द को बजाय इसको कि नकारात्मक नेगेटिव तरीके से देखें इसकी जर्नी को समझें और कहें कि आज के समय की ज़रूरत में कनाडा का हिंदी लेखक या कनाडा का उर्दू लेखक सतार भाई ने तो उसको पूरा ही मना कर दिया ये कह के कि भाई मैं उर्दू का लेखक हूँ मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ चाहे वहाँ बैठा हूँ इस तरीके से मानना चाहिए फिर भी अगर कोई इसको क्लासिफाई करना चाहता है कि आप किस देश से हैं कहाँ से हैं क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए एक परिवेश चाहिए होता है जो आपने कहा आज हम यहाँ इतने लोग बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं इस बात पे भी बातचीत हुई कि अगली पीढ़ी कहाँ है और लोग कहाँ हैं इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और मैं खुद भी जानती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने बिज़ी होते नहीं आ पाते लेकिन आज हम इतने लोग बैठ के बात कर रहे हैं सोचिए कि आज से 40 साल पहले और कितने कम लोग होंगे या आज से 40 साल के बाद कितने ज़्यादा लोग होंगे तो संख्या जो है नंबर जो है वो आपको एक कहीं कहने के लिए एक स्पेस देता है कहने के लिए कहीं उस तरीके से आपको सुनाने के लिए मोटिवेट करता है पब्लिश करने के लिए नहीं कह रही मैं सुनाने के लिए मोटिवेट करता है सुनने के लिए मोटिवेट कर... तो कहीं ना कहीं उस तरीके से आप एक अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे बना रहे हैं कि कैनेडा के हिंदी राइटर्स जो कि करीबन सत्तर अस्सी लोग हैं तो आज अगर कैनेडा का हिंदी लेखक करके मैंने अभी एक स्पेशल इशू भी निकाला था कैनेडा में हिंदी लेखन लेखक नहीं लिखा था मैं हिंदी लेखन लिखा था कैनेडा में हिंदी लेखन तो इसी तरीके से कैनेडा में अगर उर्दू लेखन का को कोई हिस्ट्री लिखना चाहेगा कितने लोग हैं कब से लिख रहे हैं पंजाबी का लिखना चाहेगा सिंधी का लिखना चाहेगा तो आप सबके नाम आएंगे ये एक आलोचक के लिए आसानी पैदा करने वाली बात है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है या इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए नहीं होना चाहिए, <laughs> नहीं होना चाहिए। <laughs> जी मीना जी आपके विचार आ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है <laughs> हम अपने लिए लिखते हैं और हमें हम सुनने वाले हमारे सामने होते हैं तो और लिखने की कोशिश करते हैं शैलजा जी तो छपने का भी प्रधान मिल ही जाता है कहीं ना कहीं चाह छपाने का तो हम लोग अपनी ही चीज़ें अपने आप पैदा कर लेते हैं तो मेरा जहाँ तक सवाल है मैं इस प्रश्न पर ड्वेल नहीं करती और लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं आपके लेखन में ताकत होनी चाहिए बिल्कुर, तो बिल्कुर। ये बात है लेकिन इनकी बात पे मैं एक बार और जो ये कह रहे थे तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि अंग्रेज़ी में भी लिखती हूँ और अंग्रेज़ी में की जो सभाएँ होती हैं वहाँ लोग मेरे से बहुत बार हिंदी की कविता लुक, सुनने का आग्रह करते हैं क्योंकि एक एक कविता सिर्फ जो है ना उसमें शब्दी नहीं होते साउंड साउंड क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट और आप तो खैर सिंगर हैं इतनी बढ़िया तो आपकी तो आप तो इस बात को बहुत समझती है होंगी कि साउंड क्वालिटी जो है वो कहाँ से तो शब्दों में दो चीज़ें होती हैं ना एक तो उसका मतलब है जो मीनिंग हम बैखरी रूप से कंक्रीट फॉर्म में देखते हैं और एक उसकी साउंड क्वालिटी है उसका छुपा हुआ तो वो समझना चाहते हैं और हम लोग ये अब ग्लोबलाइजेशन है हम लोग हाइब्रिड हैं हम दो सभ्यताओं में जी रहे हैं तो एक दूसरे को समझना ज़रूरी है अगर हमें कुछ नया पैदा करना है भाषा के रूप में भी और जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है तो मुझे तो आप अगर मैं सोचती हूँ कभी इस बारे में बहुत सोचती हूँ कि मेरे को भाषा नहीं आती कोई तो मेरे अंदर आग है वो आग कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना तो वो जो सामने मिट्टी का ढेला पड़ा होगा उसमें भी कुछ निकल जाएगा और वो कविता है मैं मैं सच बता रही हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग्स में भी कविता को देखती हूँ तो हम इस कविता को हम सीमित नहीं कर सकते भाषा पर वो कहीं भाषा से आगे जाती है क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि भाषा के चार रूप है पहला रूप जहाँ तक हम उस पर पहुंची पहुँचना बिल्कुल अध्यात्म की सबसे ऊँची सीढ़ी होगी फिर हम आते हैं और इमेजरी पे, जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में सो रही है पशंती में फिर हम आते हैं मध्यमा में जहाँ हमारा सबकॉन्शियस और वो काफ़ी हम लोगों का जो हम लोग लेखन करते हैं या हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में वहाँ तक पहुँचता है तो मैं इस बात से नहीं मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ मैं हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को भी मिला के लिखना चाहूँगी मैं चाहूँगी कि कुछ नया निकले तो हमें आफ्टर ऑल हमको पुरानी सभ्यता को भी रखना है पर हमको कुछ नया भी निकालना है तो और मैं चाहूँगी कि मैं कविताओं के साथ अपनी पेंटिंग्स को कैसे करूँ मिलाऊँ तो ये सारी चीज़ें ये क्रिएटिव प्रोसेस है और इसमें जैसा आपने कहा था क्राफ्ट भी बहुत आता है तो आर... हाँ, इरफान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं ज़ाहिर अब ये बातें तो ऐसी हैं कि जिसपे हम वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन कुछ चीज़ें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसपे किसी पे पाबंदी नहीं है कोई भी आदमी मेरे बात करने का पर्सपेक्टिव कुछ और है मसलन यहाँ कोई आदमी आके कहे कि मैं यूक्रेनियन जुबान का शायर हूँ तो हम शायद शायर पढ़ो जरा हम सुनना चाहते हैं कैसा लगता है इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको अपने उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है ना तो बहुत चीज़ों के फैसले किसी एक इंसिडेंट किसी एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नहीं होते मैं आपसे सवाल करूँ कि आपसे मैं पूछूं कि मीर कौन था तो आप क्या जवाब देंगे भाई मीर उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर है आप ये क्यों नहीं कहते कि मीर दिल्ली का एक शायर था जो उर्दू में शेर कहता था नहीं कहते ना ना कहेंगे कभी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाली आइडेंटिटी वैसे ही बेमानी हो जाएगी इरफान सत्तार उर्दू गज़ल का एक शायर के तौर पे याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा कोई मुझे इसलिए याद नहीं रखेगा कि ये कैनेडियन उर्दू पोइट था यार अलग से हाँ जोग्राफिकल ज़ाहिर है पाकिस्तान में जाता हूँ तो लोग तारुफ ऐसे ही कराते हैं ना कि भाई कैनेडा से आए हुए मेहमान शायर शायर तो मैं उर्दू का ही रहता हूँ तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है आप अपने अब आप यहाँ कैनेडियन लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं ना लेकिन है तो ये उर्दू हिंदी साउथ एशियन जुबानों की एक फेस्टिवल मना रहे हैं हम ये यहाँ भी होता तब भी यही होता लंदन में होता तब भी होता फैज साहब की साठ फीसद अच्छी शायरी बैरूत में बैठ कर हुई क्यों हम नहीं कहते कि वो जो बैरूत वाले थे फैज साहब कभी जिक्र करते हैं हम इस तरह से ठीक है फराज साहब ने बेशतर शायरी जिला वतनी में लंदन में बैठ के की इफ्खार आरफ तो आज भी जो शायरी सुना रहे हैं वो लंदन में बैठ के की हुई है उनकी और ब्रिटिश पासपोर्ट है उनके पास इन लोगों को कभी क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी इन बातों की लेकिन जब आप आइसोलेटेड होते हैं ना तो आप रास्ते ढूंढते मुझे तो इस बात पर भी एतराज़ है, है कि यहाँ से बहुत ही जूनियर शायर जाते हैं पाकिस्तान अपने खर्च पर उसके बाद वहाँ मेहमान खसूसी बनते हैं और शायर मुशायरे की एक रिवायत है तकदीम के सीनियर्स बाद में पढ़ते हैं खूबसूरत रवायत है, इज़्ज़त देने का तरीका है अब वो जाके जो है वो सारे सीनियर शायरों के बाद पढ़ेंगे क्यों क्योंकि कैनेडा से आए हुए तो बहुत सारे तो हम लाइसेंसिस भी ले लेते हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए पहले तो अपने आप को उस धारे से जोड़ें अशफाक हुसैन शाहिदा हसन नसीम सैद ये कहीं भी होते दुनिया में वो उर्दू के मंजरनामे के अहम लोग हैं तािर गोरा का रंग महल और अलबाकिस्तान कहीं से भी छपता ठीक है वो उर्दू अदब का एक इजाफा है उसके हिंदी तर्जुमे भी होंगे अपने आप को आइसोलेट मत करें अपने अलग अलग जोग्राफ़ी में बैठे हुए एक्टिविटीज़ करें एक दूसरे को सपोर्ट करें एक दूसरे को प्रोमोट करें हमारा एडवांटेज ये कि अब एक ही स्टेज पे मैं उर्दू गज़ल कहता हूँ बिल्कुल क्लासिकल रहिए मीना चोपड़ा बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज की नज़म कहती हैं जिसमें इमेजरी बहुत शदीद होती है यहाँ पर ख़ातून बैठी हैं जो एक बिल्कुल अलग लेवल पर बात और जो बात कर रही है वो हम एक ही कर रहे हैं वो उसमें कुछ हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रही हैं मैं उर्दू के कर रहा हूँ बेसिक सेंसिबिलिटी चूंकि हमारी सेम है तो इसमें एक दूसरे से सीखें इंटरेक्ट ज़्यादा करें ताकि एब्जॉर्ब कर सकें जो लेकिन अगेन एब्जॉर्प्शन ख्याल का नहीं होता है एब्जॉर्पन कराफ्ट का होता है आपको शेर कहना तो आए पहले आपने कभी किसी गवैये से सुना कि भाई मुझे तो सीखना विकना कुछ नहीं है मगर मैं गाता हूँ और वो बेसुरा भी हो तो आप कहते हैं चलो यार कोई बात नहीं गा तो रहा है ना शायरी के साथ तो हमने एक अजीब तमाशा किया हुआ है जिसको वजन में शेर कहना नहीं आता वो कहता है जी मैं तो नसरी नज़म का शायर हूँ भाई वजन में कह के दिखाओ फिर नसरी नज़म भी कहो कोई सलमान हैदर से मुझे कोई मसला नहीं क्योंकि उसको क्राफ्ट आता है उसकी त, 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 उसकी जो प्रेफरेंस है वो ये है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ वो नसरी नजम में आती है सही तो अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें और इन परेशानियों में ना पड़ें कि आप कनेडियन इमिग्रेंट पोइट कहें ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बात यह कि आज से पचास साल बाद आप उर्दू या हिंदी के कवि या शायर के तौर पर ही जाने जाएंगे जोग्राफी विल बिकम ए मटीरियल कि अगर हम कविता लिखते हैं या हम लोग अगर कोई शायर शायरी लिखते हैं नज्म लिखते हैं तो उसमें सचमुच में कोई सरहद नहीं होती भाषा की ही बात होती है कहानियों में लेखों में ये क्योंकि भाषा में आप केवल साहित्य ही नहीं लिख रहे होते विज्ञान की बात भी कर रहे होते हैं मेडिसिन की बात भी कर रहे होते हैं भाषा आप अगर वो भी बात हो रही थी कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते क्योंकि केवल हम अगर साहित्य की बात करते हैं उनको काफ़ी बार समझ नहीं आती लेकिन अगर हम दूसरी बातें भी कर रहे हैं अपनी भाषा में तो उनको समझ आ रही होती है तो कहानियों में जनरली जो ज़मीन है वो अपने एक बड़ा रोल प्ले करती है और बैक बैकग्राउंड जो उसका है उसके जो चरित्र हैं वो रोल प्ले करते हैं लेकिन कविताएं जो मैंने कहा था शुरू में भाव तो वो नौ हैं आप दस बना लें शांति और उसमें जोड़ लें तो वो फिर आप आइए बहुत अच्छी बात कही आपने लेकिन ये है कि वो तो चीज़ें हमेशा ग्लोबल रहती हैं और समय के पार रहती हैं जी धन्यवाद खूब बहुत धन्यवाद आपका इरफान भाई बहुत धन्यवाद शैलजा जी मीना जी हम लोगों ने बड़ी अच्छी बातचीत की देखिए मैंने पेपर रख दिया हम लोग बात चित कर रहे थे और सवाल आते गए मैंने जो तैयार करके लाई थी उसमें से एक आध चीज़ें टच की हैं लेकिन और सब कुछ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इतनी रिच बातचीत हुई हमारी थैंक यू ताहिर भाई भाभी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मंच दिया आपने हमें अब देखें ताहिर भाई इन बातों के लिए बड़े कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है कि वैसे भी मकालमा चलता रहना चाहिए <laughs>